हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सपेरिमेंट चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में करने वाले हम डिसेंबली। ये देख सकते हैं मेरे पास है कंप्यूटर का SMPS। आज इसकी डिसेंबली करके देखेंगे, जानेंगे इसके अंदर क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं, सारा इसको इस वीडियो में देखने वाले। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ में हमेशा आपके लिए लाता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस SMPS को ओपन करने के लिए चाहिए हमें खाली एक स्क्रू ड्राइवर। देख सकते हैं मेरे पास ये 4-way स्क्रू ड्राइवर है, बस यही चाहिए, बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं है। चलो इसको फटाफट से मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये टॉप में देख सकते हैं ये सील है, इसको मैं फटाफट से मैं चारों स्क्रू ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं मैंने इसके चारों स्क्रू अभी ओपन कर दिए, तो फटाफट से कवर निकाल लेता हूँ आउटर साइड बॉडी। इसके अंदर क्या है देखते हैं, तो देख सकते हैं गाइस इसके अंदर क्या है। ये है आपका AC इनपुट सॉकेट, ये इसका स्विच, और ये देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये है इसका मेन PCB गाइस, इसके थ्रू यानी 220 को ये कन्वर्ट करता है DC 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ये इसका कूलिंग फैन है, तो फटाफट से फैन को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं मैंने ये इसके फैन के स्क्रू भी निकाल लिए हैं, अब इसका कनेक्शन भी निकाल लेते हैं। ये है इसका कनेक्शन वायर, इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। सकते ये देखिए मैंने निकाल लिया गाइस। ये देखिए ये है DC फैन है, ये इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। देखिए 12 वोल्ट ऑपरेटेड है, देख सकते हैं इसकी रेटिंग DC 12 वोल्ट 0.15 amps। ठीक है, आप किसी भी इसको प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी होममेड प्रोजेक्ट हो तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अभी चलिए इसके PCB को निकालते हैं बाहर, तो मैं फटाफट से ये स्क्रू ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे चार स्क्रू है, इसको भी फटाफट ओपन कर लेता हूँ। ये चारों स्क्रू ओपन कर दिए हैं, ये देख सकते हैं PCB बाहर आ गया। तो कटर का यूज़ करूँगा इसको काटने के लिए, देख सकते हैं इससे भी आप इजीली काट सकते हैं। तो ये हो गया डिस्कनेक्ट। तो गाइस ये है इसका PCB, और इसमें इतने सारे वायर्स है। ये वायर्स भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये भी कॉपर वायर है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा काट लिया वायर, देख सकते हैं कैसा PCB। इसमें से ये जो कंपोनेंट्स है ये भी आप निकाल के प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कंपोनेंट तो ये 220 वोल्ट पर ही काम करेंगे। ठीक है, ये जो आपको बड़ा वाला यहाँ पे ट्रांसफार्मर दिख रहा है, ये मे बी AC को DC में कन्वर्ट करता है, यानी 220 को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, 220 AC को DC में कन्वर्ट करता है 12 वोल्ट में। और बाकी जो कंपोनेंट्स है उसका भी कुछ अलग फंक्शनिंग होगा, देख सकते हैं आप कैसा PCB है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड PCB है। यहाँ पे कुछ MOSFETs लगे हैं, ये देख सकते हैं इसमें MOSFETs है, इसमें भी ये हीट सिंक है जो सिल्वर कलर का दिख रहा है, ये हीट सिंक है गाइस, नॉर्मल लगे हैं। और बाकी कैपेसिटर्स भी लगे हैं, इंडक्टर भी लगा है इसमें, देख सकते हैं। और ये दो बड़े बड़े कैपेसिटर्स भी लगे, ये दो इसमें से कंपोनेंट निकले हैं, ये है DC फैन और ये इसका PCB। तो यही रहता है एक SMPS के अंदर। SMPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई है, जो यानी वोल्टेज को डाउन नहीं होने देता है। जैसे कोई ट्रांसफार्मर है, कॉइल वाला ट्रांसफार्मर, उससे क्या होता है वोल्टेज यानी फ्लैक्चुएट करता है, कम ज़्यादा होता है, तो वो अप्लायंसेस यानी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। इसमें क्या होता है वोल्टेज स्टेबल रहता है, इसमें कुछ फ्लक्चुएशन रहता है कुछ नहीं रहता। भले ही आपका जो 220 वोल्ट हो वो 150 वोल्ट पर भी आ जाए, तो भी ये आउटपुट 12 वोल्ट ही देगा, इसका वोल्टेज आउटपुट वाला फ्लैक्चुएट नहीं करेगा गाइस। तो इसी के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस में हमेशा आपके लिए लाता रहता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।